नागेश्वर बाबा का रहस्यमय लोक। अलग अंदाज, विशाल पंडाल, बड़ा सिंहासन, भक्तों की भीड़ और दिव्य धाम, इन शब्दों को एक माला में पिरोकर देखेंगे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम दिखाई देगा। लेकिन सवाल है कि आखिर बागेश्वर धाम का संचालन होता कैसे है, इसका अर्थ तंत्र कैसे चलता है, इतने सारे भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनके खाने का इंतजाम, नया रेस्ट हाउस और एसी कूलर वाला पंडाल, आखिर इसका खर्च कौन उठा रहा है, इतना पैसा आता कहां से है, क्या बाबा डोनेशन लेते हैं या बाबा के ट्रस्ट की कहीं और से फंडिंग होती है। हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं है, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं। बागेश्वर धाम की संपत्ति की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात भी सामने आई कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में ही 400 करोड़ की लागत से एक अस्पताल तैयार करवा रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं और 400 करोड़ का बनवा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर पहले मंदिर बन रहा था, गुरु प्रेरणा से, सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हमारे गुरु जी ने प्रेरणा दी है कि अब बागेश्वर धाम पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल का निर्माण होगा। पब्लिक फोरम पर धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम की संपत्ति को लेकर कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई, यानी बागेश्वर धाम का संचालन वाला सिस्टम एक रहस्य की तरह दिखाई पड़ता है।